ऑलराइट एवरीबॉडी, वीडियो बहुत छोटा है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गेट, GET। बाय द वे इसके कई सारे रूल होते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक रूल हम आज पढ़ेंगे एंड दैट इज गेट इट डन। रूल का नाम है गेट इट डन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक भी करते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर में इसको क्लोज करते हैं और सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स जंप इनटू इट। देखिए, आप कई सारे लोगों ने सुना होगा कि काटना होता है कट, CUT। जैसे मैंने बोला भाई, मैं सब्जियां काट रहा हूँ, आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स, आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स। ऐसे ही भाई आपने सुना होगा फिल, फिल मीन्स भरना। जैसे कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, आई एम फिलिंग द फॉर्म। आप फॉर्म भर रहे हो, यू आर फिलिंग द फॉर्म, राइट। ऐसे ही आपने सुना होगा पॉलिश, POLISH, पॉलिश, पॉलिश करना। आई एम पॉलिशिंग माई शूज, आई एम पॉलिशिंग माई शूज, मैं अपने शूज को पॉलिश कर रहा हूँ, राइट। तो इन शब्दों के मतलब क्या है? सिंपल, काटना, भरना और पॉलिश करना, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सुनिएगा, आप एक बाबा की शॉप पर गए, यानी कि बाल, आप बाल कटवाने गए, तो आपके बाल बाबा काट रहा है। अब उसके पास एक कॉल आया, उससे जो आपके बाल काट रहा है उसे किसी ने पूछा, भैया what are you doing, आप क्या कर रहे हो, what are you doing। बंदे ने सिंपल बोला, मैं बाल काट रहा हूँ, I am cutting the hair, I'm cutting the hair। अब वही कॉल आपके पास आया जो बाल कटवा रहा है, राइट। आपके पास कॉल आया, हेलो, तो आपने, आपसे बंदे ने पूछा सेम क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं भाई। अब आप क्या बोलोगे, कैन यू स्पीक, आई एम कटिंग द हेयर। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कट मीन्स तो काटना होता है, कटवाना नहीं होता है। तो जब बात आती है काम को किसी और से करवाने की, तो वहां पर रूल यूज होता है गेट इट डन। तो आप बोलेंगे मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर, और यहाँ पर आएगा कट। ये तो रूल का नाम है, मैं पूरा रूल भी लिख के दूंगा। रूल ये है पूरा, गेट, बीच में आएगा जो भी चीज आप करवा रहे हो, जो भी काम आप करवा रहे हो, चीज का नाम या फिर काम का नाम, और इसके बाद आएगी जो भी एक्शन आएगा उसकी थर्ड फॉर्म। और इस रूल का यूज तब होता है जब आप काम किसी और से करवाते हो, राइट। जैसे कि बाल काटना तो कट हेयर होगा, लेकिन बाल कटवाना गेट हेयर कट, इसीलिए बाल कटवाने की अंग्रेजी होती है गेट हेयर कट। और यहाँ पर कट थर्ड फॉर्म है, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। अब भरना तो फिल होता है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, फिलिंग द फॉर्म। मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, मैं पेट्रोल वाला हूँ, आई एम फिलिंग द पेट्रोल। लो भाई साहब, आई एम फिलिंग द पेट्रोल। लेकिन आप अगर भरवा रहे हो तो आप नहीं बोल सकते हो फिल द पेट्रोल, क्योंकि भरवाना फिल नहीं होता है, भरवाना होगा गेट पेट्रोल फिल्ड, थर्ड फॉर्म, पेट्रोल भरवाना गेट पेट्रोल फिल्ड। ऐसे ही अब मैं तो पॉलिश करता हूँ शूज, मेरा काम ही है, मैं क्या बोलूंगा, आई एम पॉलिशिंग द शूज, मैं शूज को पॉलिश कर रहा हूँ। आपका काम तो ये नहीं है, आप क्या बोलोगे, शूज पॉलिश करवाना, गेट द शूज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। देखिए कितना अच्छा रूल है, और ये बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि करवाना एक्शन नहीं होता, गेट होता है, करवाना गेट। तो आई होप कि आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इनके एग्जाम्पल लेता हूँ, गेट के एग्जाम्पल लेते हैं कुछ चीज़ों के साथ। जैसे मैंने बोला भाई वो बाल काट रहा है, ही इज कटिंग हेयर, वो बाल काट रहा है, ही इज कटिंग हेयर। और भाई साहब ये जो सामने बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये बाल कटवा रहा है, ये काट नहीं रहा, ये कटवा रहा है, तो ही इज गेटिंग हेयर कट। देखिए रूल आया, ही इज गेटिंग हेयर कट। और अगर यहीं पर मैं बोलूं, कि इसने बाल कटवा लिए तो क्या होगा भाई साहब, ही हैज, गेट की गॉट हो जाएगी, हेयर कट, इसने बाल कटवा लिए, ही हैज गॉट हेयर कट, मैंने बाल कटवा लिए। हाँ पापा, हाँ कटवा लिए मैंने बाल, आई हैव गॉट हेयर
cut. मैंने पेट्रोल भरवा लिया, I have got petrol filled. मैंने जूते पॉलिश करवा लिए, I have got my shoes polished. थर्ड फॉर्म जरूर लगाएं आप, राइट? इस तरीके से इस रूल का यूज होता है. अब आपका काम ये है कि पूरा रूल को आप नोटबुक में नोट डाउन करिएगा. दूसरी चीज ये है कि अब मैंने इस के साथ और हैज के साथ, हैव के साथ, एम के साथ तो बता दिया, आपका काम है कि आप इसको यूज करिएगा विल के साथ, कैन के साथ और शुड के साथ. अगर आप इन तीनों के साथ इसको यूज कर पाए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, शुड के साथ, कैन के साथ और विल के साथ गेट ही आएगा, ना तो गेटिंग आएगा ना गॉट आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी ना तो थर्ड फॉर्म आएगी. सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको गेट की. जैसे कि आपको ना बाल कटवाने चाहिए, यू शुड गेट हेयर कट. मैं बोला ठीक है मैं कटवा लूंगा कल, आई विल गेट हेयर कट. हाँ मैं बाल कटवा सकता हूँ, आई कैन गेट हेयर कट. ऐसे एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा तो ये रूल आपको बहुत बहुत अच्छे से आ सकता है. ऑलराइट, सो एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस टाइम. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.